गुंडई का एक नया मामला फिर सामने आया है। मास्क न लगाने पर पुलिस ने युवक के हाथ पैर में कील ठोक दी। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। बरेली के बारादरी के मोहल्ला जोगी नवादा निवासी शीला नामक एक महिला ने पुलिस पर बेटे रंजीत के हाथ पैर में कील ठोकने का आरोप लगाया है। शीला का आरोप है कि उसका बेटा रंजीत 24 मई की रात सड़क किनारे बैठा था। इसी दौरान बारादरी थाने के 3 सिपाही पहुंच गए और उसे मास्क नहीं लगाने के आरोप में पकड़ लिया गया। आरोप लगाया गया कि इसी बात को लेकर पुलिस और उसके बेटे में कहासुनी हो गई। उसके बेटे को पकड़कर चौकी जोगी नवादा ले गई। जब उसे जानकारी मिली तो वो चौकी जोगी नवादा पहुंची। वहां उसे बताया गया कि बेटे को पुलिस ने किसी काम से भेज दिया है। कुछ देर में उसे जानकारी हुई कि उसका बेटा खेड़ा की तरफ देखा गया है। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसके बेटे के दाएं हाथ और दाएं पैर में कील गड़ी हुई है और वो मरणासन्न हालत में पड़ा हुआ है। जब उसने पुलिस से मामले की जानकारी लेनी चाही तो बेटे को जेल भेजने की धमकी देने लगे। महिला बुधवार को SSP रोहित सिंह सजवाड़ के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंची। SSP ने बताया कि मामले की जांच कराई गई है। पता चला है कि 24 मई को रंजीत बिना मास्क के घूम रहा था और उसने पुलिस से अभद्रता की थी। इस प्रकरण में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो वो दबिश देकर वहां से भाग निकला। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने ये पूरी घटना खुद रची है।